तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो इसमें एक पोर्शन आता है जिसे हम बोलते हैं स्पीसिएशन। स्पीसिएशन का मतलब होता है न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन होना। तो अगर एक जनरल बेसिस पे बात करें, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक हम जनरल बेसिस पे बात करें स्पीसीज के बारे में, ठीक है। तो स्पीसीज क्या होती है? इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन होती हैं। इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन होती हैं जो कि आपस में ब्रीड कर सकती हैं एंड साथ ही साथ फर्टाइल ऑस्प्रिंग का प्रोडक्शन कर सकती हैं। तो ये तभी तक कर सकती हैं जब ये दैट इज एक स्पीसीज के ग्रुप से बिलोंग करती हों। लेकिन जब ये स्पीसीज, जैसे कि मान लीजिए दिस इज अ पेरेंट पॉपुलेशन, ओके, दिस इज अ पेरेंट पॉपुलेशन। अब ये पेरेंट पॉपुलेशन है और अगर हम मानते हैं कि कुछ डिफरेंसेस क्रिएट हो गए या कोई ऐसा इवेंट हो गया जिसने क्या किया, इस पॉपुलेशन को हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिया, हाफ ऑफ पार्ट में ना सही, रफली हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट क्या देखने को मिलेगा कि एक पॉपुलेशन तो अलग हो जाएगी, राइट, इस तरीके से, और दूसरी जो एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो यहाँ रहेगी, ठीक है। लेकिन टाइम के साथ साथ आज बिकॉज इन पे सिलेक्शन प्रेशर अलग काम कर रहा है, मतलब जिस टाइप की चीज़ें ये फेस कर रहे हैं और जो भी दैट इज़ इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं वो इनके ऊपर एक सिलेक्शन प्रेशर लेकर आता है और वो सिलेक्शन प्रेशर इस पर्टिकुलर स्पीसीज को चेंज होने के लिए दैट इज़ फोर्स डालता है, जिसे हम कहते हैं मेनली एडप्टेशन करना अकॉर्डिंग टू द सिलेक्शन प्रेशर। तो एज बिकॉज जब ये ब्रेकआउट हुआ तो वेरी ऑब्वियस यहाँ पे एक पॉपुलेशन थी जो कि ओरिजिनल पॉपुलेशन है और यहाँ पे एक पॉपुलेशन है। जब स्टार्टिंग में ये दोनों स्पीसीज अलग हुए, लाइक आई मीन टू से एक ही पॉपुलेशन के जब दो पार्ट बने, तो ये वाला पार्ट जो है स्टार्टिंग में कुछ अलग नहीं था, लेकिन धीरे धीरे करके जो है ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो गया और विद टाइम ये देखने को मिलेगा कि इसके कैरेक्टर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है। डिफरेंस आने की वजह से अब ये पॉपुलेशन जो है, अब ये इस पॉपुलेशन के साथ ब्रीड नहीं करेगी, ठीक है, नो ब्रीडिंग। अब ब्रीड नहीं करेगी तो वेरी ऑब्वियस रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगा। ये पॉपुलेशन आपस में ज़रूर रिप्रोड्यूस कर लेगी लेकिन ये बगल वाले के साथ नहीं करेगी। इसे हम कहते हैं क्या, दैट इज़ रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाना, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हम इसे कहते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन एक्चुअल में एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करवा देता है, बिकॉज अगर हम चाहते हैं कि एक स्पीसीज को हम लाइक एक ही ग्रुप में कहें तो उनका इंटरब्रीडिंग करना ज़रूरी है और फर्टाइल ऑस्प्रिंग प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। बट एज बिकॉज ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते हैं एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हम इसे कहते हैं कि ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर गए हैं और ये क्या कर सकता है, दिस में क्रिएट अ न्यू स्पीसीज, ये एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन कर देगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम पास हो जाने के बाद ये जो स्पीसीज है वो एक नई स्पीसीज बन जाएगी। तो अगर आप इसे लाइक ये पॉपुलेशन ए था तो अगर आप इसको ए कहते हो तो आपको इसे A1 कहना पड़ेगा और ये कहलाएगा एक दैट इज न्यू स्पीसीज। तो मेक श्योर हमेशा स्पीसिएशन होने के लिए डिफरेंसेस ज़रूरी हैं और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होना ज़रूरी है। तो ये एक कहानी थी दैट इज स्पीसीज क्या होता है एंड स्पीसिएशन क्या होता है। अगर हम बात करें रीज़न की कि क्या क्या रीज़न जो हो सकते हैं दैट कैन कॉज द स्पीसिएशन, तो ये किसी भी टाइप का म्यूटेशन हो सकता है, आइसोलेशन हो सकता है, रिकॉम्बिनेशन हो सकता है, इतने टाइप का। एक जेनेटिक ड्रिफ्ट भी देखा जाता है कि नेचुरल सिलेक्शन भी यहाँ पे काम कर सकता है। इस ढंग से हम कह सकते हैं कि हाँ, दिस कुड बी द रीजन बिहाइंड दी दैट इज स्पीसिएशन। ओके, नेचुरल सिलेक्शन स्पीसीज में आप कह सकते हैं नॉट एग्जैक्टली, नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हम कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि इवोल्यूशन में इन्वॉल्व होता है, राइट। तो वेरी ऑब्वियस एक रीज़न में ये सब चीज़ें अगर हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन उस पर काम करने वाला पोर्शन हो सकता है। तो एनीवेज ये एक मैंने 2 से 3 यहाँ पे स्टेटमेंट रखे हैं जो कि आपको एक रीज़न बताते हैं कि स्पीसिएशन क्यों होता है एंड कैसे होता है। ओके तो जब हम बात करते हैं रिगार्डिंग दी स्पीसिएशन तो यहाँ पे आता है कि जब हम 2 स्पीसीज को अलग करते हैं तो उनके बीच में आइसोलेशन होता है। अब ये आइसोलेशन 2 स्टेज पे हो सकता है, या तो जाइगोट फॉर्म होने से पहले हम 2 स्पीसीज को अलग कर दें या तो फॉर्म होने के बाद करें। तो अगर जाइगोट फॉर्म होने से पहले करते हैं तो हम इसे प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म कहते हैं, जिसमें हम जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं। पहला ऑप्शन हो गया इकोलॉजिकल आइसोलेशन, यानी 2 स्पीसीज अगर अलग अलग हैबिटेट में प्रेजेंट है तो वेरी ऑब्वियस दे कांट ब्रीड, और अगर ब्रीड नहीं करेंगे तो जाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, सेकेंड देखिए टेम्पोरल आइसोलेशन, जिसमें स्पीसीज का डिफरेंट ब्रीडिंग टाइम हो जाता है। मान लीजिए एक स्पीसीज जनवरी के मंथ में दैट इज उसका ब्रीडिंग सीजन आता है और एक स्पीसीज का मिड ऑफ द सितंबर में आता है, तो वो दोनों कैसे ब्रीड कर सकते हैं एक साथ? तो वो ब्रीड कर ही नहीं सकते क्योंकि दोनों का ब्रीडिंग टाइम अलग अलग हो जाता है। थर्ड आता है बिहेवियर आइसोलेशन। बिहेवियर आइसोलेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कोर्टशिप डिस्प्ले होता है, मतलब कुछ ऐसे एक्ट जो कि अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करने का काम करता है, ऐसे एक्ट मान लीजिए अगर ए स्पीसीज जो है कोर्टशिप डिस्प्ले कर रहा है एंड बी स्पीसीज उसके कोर्टशिप डिस्प्ले को समझ नहीं पा रहा है, मतलब मान लीजिए कि ए जो है किसी टाइप का एक अट्रैक्ट करने के लिए किसी टाइप का एक डांस कर रहा है या फिर सॉन्ग परफॉर्म कर रहा है, लेकिन बी उसको समझ नहीं पा रहा है, तो वेरी ऑब्वियस इनके बीच में ब्रीडिंग नहीं हो सकती बिकॉज कोर्टशिप डिस्प्ले समझा नहीं जा पा रहा है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड द बिहेवियर आइसोलेशन। डी इज द मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन में क्या होता है? इट इज इन एबिलिटी ऑफ द स्पर्म टू बाइंड विद द एग एज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज नॉट सूटेबल फॉर इट। तो इसमें क्या होता है कि जो डिफरेंसेस होते हैं आइसोलेशन होता है वो लगभग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बेसिस पे ही हो जाता है, यानी जो स्पर्म है वो एग से बाइंड नहीं कर पाता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो स्पर्म है वो फीमेल ऑर्गन के लिए सूटेबल नहीं होता है। And as a result of that again there will be no zygote formation। तो ये हम प्री जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म देख रहे थे। अब अगर हम बात करते हैं पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेटिंग मैकेनिज्म की, तो इसमें जाइगोट का तो फॉर्मेशन हो जाता है लेकिन वेरी ऑब्वियस जाइगोट आगे नहीं, मतलब फर्टिलिटी नहीं गेन कर पाता है। तो इसमें भी एक टाइप है दैट इज हाइब्रिड इनवायबिलिटी, जिसमें जाइगोट आगे चल के जब ऑफस्प्रिंग में प्रोसीड होता है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता है। सेकेंड हाइब्रिड स्टेरिलिटी। हाइब्रिड स्टेरिलिटी में क्या होता है कि जो हाइब्रिड बनता है वो हेल्दी तो होता है लेकिन वो स्टेराइल होता है, मतलब इट कांट प्रोड्यूस इट्स ऑफस्प्रिंग। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो म्यूल जो है, म्यूल एक ऑफस्प्रिंग है किसका? दैट इज मेल डोंकी एंड हॉर्स की कॉम्बिनेशन का। तो जब हॉर्स एंड मेल डोंकी के बीच में जब दैट इज योर आप कह सकते हो कि मेटिंग करवाई जाती है तो म्यूल फॉर्म होता है, लेकिन म्यूल जो है एक स्टेराइल ऑर्गेनिज्म है, एक स्टेराइल एनिमल है, वो अपना ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो ये कुछ तरीके थे जिसकी वजह से हम ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करने से रोक सकते हैं, या रिप्रोडक्शन करने से उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है इन सारे मैकेनिज्म की वजह से। ओके स्पीसिएशन को अब 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले टाइप को हम कहते हैं एलोपैट्री। एलोपैट्री का मतलब होता है कि मान लीजिए कोई 2 एरिया है, ठीक है, और उसमें क्या हो गया अचानक से कुछ फिजिकल बैरियर आ गया या जियोग्राफिकल बैरियर आ गया है। एग्जाम्पल के लिए हो गया माउंटेन, हो गया रिवर, ओशन हो गया, कैनोन हो गया, ग्लेशियर का फॉर्मेशन हो गया। ये सारे फैक्टर क्या करते हैं, जैसे कि एक मान लीजिए ये एरिया है तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे, और 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे तो ये एरिया एक अलग हो जाएगा एंड ये वाला एरिया एक अलग रहेगा। तो यहाँ पे तो ओरिजिनल स्पीसीज रहेगी, लेकिन इस तरफ जो स्पीसीज चली गई है वेरी ऑब्वियस वो स्पीसीज पहले वाली स्पीसीज से ब्रीड नहीं कर पाएगी, क्योंकि मान लेते हैं कि इनके बीच में एक माउंटेन का फॉर्मेशन हो गया तो वेरी ऑब्वियस A1 स्पीसीज जो है माउंटेन को क्रॉस करके पुरानी वाली पॉपुलेशन से ब्रीड करने नहीं आएगी, वो अपने एरिया में ही ब्रीड करेगी, और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट धीरे धीरे करते करते जो छोटे छोटे से डिफरेंसेस है वो मेगा डिफरेंसेस लेके आएंगे और ये वाला पॉपुलेशन एक नया स्पीसीज बन जाएगा। इसे हम कहते हैं एलोपैट्रिक। एलो का मतलब होता है दैट इज अदर, पैट्रिक का मतलब हो गया एक ढंग से नेटिव प्लेस या नॉर्मल प्लेस। फिर आता है पेरीपैट्रिक। पेरीपैट्रिक में क्या होता है, स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल जो है या स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म अपने पेरेंट पॉपुलेशन से निकलकर बाहर चले जाते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है XYZ, लाइक किसी भी टाइप का बिहेवियर आइसोलेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया। इसके अलावा हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि दैट इज़ किसी टाइप का ज्योग्राफिकल बैरियर आ गया। तो लेकिन इसमें क्या होता है, और एलोपैथिक में एक बड़ा सा हिस्सा पॉपुलेशन का लाइक कहीं और चला जाता है, लाइक अपना हैबिटेट चेंज कर लेता है। लेकिन पेरीपैटिक में क्या आता है कि अगर मान लीजिए दिस इज़ अ पेरेंट पॉपुलेशन, तो इसका एक छोटा सा पार्ट निकल के पेरिफेरल एरिया को ऑक्यूपाई करके रखता है। दिस इज़ अ पेरिफेरल एरिया, ठीक है, इस एरिया को ऑक्यूपाई करके रखता है और इसे हम कहते हैं दैट इज़ योर पेरीपैट्रिक स्पीसिएशन, बिकॉज इसने पेरीफ्री को ऑक्यूपाई करके रखा है। ओके, नेक्स्ट आता है दैट इज़ योर पैरापैट्रिक। पैरा का मतलब क्या होता है? पैरा का मतलब होता है दैट इज़ योर बिसाइड, यानी जस्ट साइड में। तो इसमें क्या देखा जाता है, कोई भी इन्वायरमेंटल एडवर्स कंडीशन, इट मे बी पॉल्यूशन, इट मे बी एनी चेंज इन द इन्वायरमेंट, उससे क्या होता है कि दो स्पीसीज, या पहले तो वो एक स्पीसीज थी, लेकिन वो दो कब बन जाती हैं, जब एक को एडवर्स कंडीशन फेस करने को मिलता है और दूसरे को नहीं मिलता है। जैसे कि मान लेते हैं थर्ड का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज़ अ एरिया, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लांट्स हैं और इसमें से सिर्फ इतना ही एरिया में दैट इज़ मेटल की टॉक्सिसिटी हो गई है। तो क्या होगा, दैट इज़ इतने जितने एरिया में मेटल की टॉक्सिसिटी हुई है, सिर्फ उतने ही दूर वाला प्लांट जो है मेटल टॉक्सिसिटी के लिए जीन एक्सप्रेस करेगा ताकि वो रेजिस्टेंट नेचर शो कर सके, और इतने प्लांट में मेटल रेजिस्टेंस जीन का एक्सप्रेशन हो जाएगा। लेकिन ये जो इधर वाला प्लांट है उसमें तो मेटल रेजिस्टेंस जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा, क्योंकि उसको तो ये मेटल टॉक्सिसिटी झेलने को ही नहीं मिल रही है। तो होता क्या है कि वक्त के साथ साथ जो इधर वाले प्लांट होते हैं जो कि टॉक्सिसिटी को फेस कर रहे थे, इनके जेनेटिक लेवल में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, और एज ए रिजल्ट ऑफ दैट काफ़ी टाइम बाद इस इधर के जो प्लांट्स हैं उनका फ्लावरिंग टाइम और इधर के जो प्लांट्स हैं उनका फ्लावरिंग टाइम दोनों काफ़ी अलग हो जाता है, और फ्लावरिंग टाइम अलग होने की वजह से अब ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ऑल्दो स्टिल दे आर लिविंग बिसाइड, बगल में ही रह रहे हैं लेकिन आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो ये एडजेसेंट एरिया को ऑक्यूपाई तो करके रखते हैं, लेकिन दे कांट ब्रीड, इनका रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर दिया गया है इनको। दिस इज वॉट कॉल दी पैरापैट्रिक स्पीसिएशन। थर्ड इज दी सिम्पैट्रिक। सिम्पैट्रिक में क्या होता है, सिम्पैट्रिक में सेम एरिया में ही रहते हैं ऑर्गेनिज्म, लेकिन ब्रीड नहीं करते हैं। हर जगह आप देख रहे हैं कि कहीं साइड में चले जा रहे हैं नए स्पीसीज, या फिर बहुत दूर चले जा रहे हैं, जैसे कि एलो में हुआ, साइड में रह रहे हैं जैसे कि दैट इज योर पैरा में हुआ, या पेरिफेरल एरिया में रह रहे हैं जैसे कि पेरीपैट्रिक में हुआ। लेकिन सिम्पैट्रिक में क्या होता है, सिम वर्ड इज फॉर सेम। सिम्पैट्रिक में ये रहा ओरिजिनल पॉपुलेशन और बीच में रहता है दैट इज योर न्यूली फॉर्म पॉपुलेशन, लेकिन स्टिल वो आपस में ब्रीड नहीं करते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा लाइक आप कह सकते हो जेनेटिक बेसिस पे डिफरेंसेस चले आते हैं। लेकिन हम ऐसी पॉपुलेशन को कहते हैं कि द न्यू पॉपुलेशन इज स्टिल लिविंग विद द एंसेस्ट्रल पॉपुलेशन, क्योंकि अभी भी सेम पॉपुलेशन के साथ ही रह रहे हैं। अगर हम इसको डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करें तो आप देख सकते हैं दिस इज़ अ एलोपैट्रिक, जिसमें कि ये एक ओरिजिनल पॉपुलेशन है जो कि डिवाइड हो चुका है ज्योग्राफिकल बैरियर के थ्रू, एंड इसके बाद ये तो पेरेंट ही है एंड दिस इज अ न्यू स्पीसीज, ठीक है। पेरी की अगर हम बात करें तो ये ओल्ड पॉपुलेशन है, ओरिजिनल पॉपुलेशन है, और एक छोटा सा पॉपुलेशन बाहर निकल के चला गया और वक्त के साथ साथ ये एक न्यू पॉपुलेशन बन गया है। तो दिस इज व्हाट कॉल्ड द न्यू स्पीसीज, बिकॉज हम स्पीसिएशन पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट ये हो गया पैरापैट्रिक। पैरापैट्रिक में आप देख सकते हैं दिस इज अ ओरिजिनल पॉपुलेशन, लेकिन बीच में जो है एक जोन क्रिएट हो गया है जो कि बता रहा है कि इधर का स्पीसीज ओरिजिनल पॉपुलेशन है और इधर के स्पीसीज में चेंजेस आ गए हैं, लेकिन अभी भी ये बिसाइड में ही रहते हैं, एक दूसरे के बिसाइड में ही रहते हैं। दैट इज व्हाट कॉल्ड द पैरापैट्रिक स्पीसिएशन। एंड लास्ट दैट इज द सिम्पैट्रिक। ये रहा ओरिजिनल पॉपुलेशन, बीच में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के कारण आप कह सकते हो कि डिफरेंसेस आना शुरू हुए और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट ये एक न्यू स्पीसीज हो गया, लेकिन अभी भी ये पुराने स्पीसीज के साथ ही रह रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड द सिम्पैट्रिक स्पीसिएशन। तो इसके साथ हमने जो है स्पीसिएशन का कंसेप्ट खत्म कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम जो लेने वाले हैं वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। ओके, जेनेटिक ड्रिफ्ट का कंसेप्ट क्या होता है? सो जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है दैट इज जीन लेवल पे ड्रिफ्टिंग होना, जीन लेवल पे चेंजेस होना। तो हम इसमें ये देखते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट को होने के कुछ कुछ कंडीशन हैं। दैट इज स्मॉल पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है, स्मॉल पॉपुलेशन में ये देखने को मिलता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट के लिए हम डेफिनेशन इस तौर पे देते हैं कि जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ चेंज इन द एलील फ्रीक्वेंसी and it is only applicable or only like it is observed in only a small population, and this is an like एक random event है, ठीक है, this is a random event जो कि प्री डिसाइडेड बेसिस पे नहीं होता है, रैंडमली देखने को मिलता है एंड इट कैन चेंज दी जीन फ्रीक्वेंसी। तो स्मॉल पॉपुलेशन में ये देखने को मिलेगा, जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता है ये, जीन ऑब्लिक एलील की फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकता है ये, फ्रीक्वेंसी चेंज। दिस इज अ रैंडम इवेंट, यानी कोई भी प्री डिसाइडेड बेसिस पे ये काम नहीं करता है, ठीक है। और इस कंसेप्ट को दिया था दैट इज सी वॉल राइट ने। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट का सिग्निफिकेंस तभी होगा जब ये स्मॉल पॉपुलेशन में होगा, बड़ी पॉपुलेशन में जेनेटिक ड्रिफ्ट का सिग्निफिकेंस नहीं देखा जाता है। बिकॉज आप खुद सोचिए, अगर मान लेते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि दैट इज 20,000 एंट है, ठीक है, 20,000 एंट है। इसमें से क्या हुआ, किसी भी कारण, ड्यू टू एनी रीजन, यहाँ से जो है 20 एंट की डेथ हो गई। क्या आप पता कर पाएंगे कि 20,000 में से 20 एंट की डेथ हो गई है? ऑल्दो कहा जाए तो जीन में अभी भी ड्रिफ्टिंग आई है, यानी कुछ जीन लॉस हो गए हैं इन द फॉर्म ऑफ अ डेथ, लेकिन चेंज क्या होगा, चेंज को आप नोटिस नहीं कर पाओगे, चेंज को नोटिस करना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि एक बड़े से पॉपुलेशन में हुआ है। लेकिन अगर मैं यही एग्जांपल दूं कि मान लीजिए जो एंट का पॉपुलेशन था वो था 200, ठीक है, दिस इज अ केस 2, 200 एंट का पॉपुलेशन था। और इसमें से क्या हुआ, 200 भी नहीं, 200 तो एक बहुत ज़्यादा ढंग से आप हम कह सकते हैं, 200 लेते हैं या 20 ले लेते हैं, ठीक है, 20 एंट था। और इसमें से क्या हुआ, दैट इज 5 का डेथ हो गया। इजीली आप ऑब्जर्व कर सकते हो चेंजेस को, चेंजेस नोटिस में आ सकते हैं। जैसे कि एक एनालॉजी लेते हैं, आपके पास लगभग जो चॉकलेट्स होते हैं 100 चॉकलेट्स हैं, उसमें से कोई 2 उठा लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, अगर जब तक आप काउंट नहीं करोगे आपको पता नहीं चलेगा। सिमिलरली अगर आपके पास सिर्फ 10 चॉकलेट्स हैं, उसमें से कोई 2 उठा लेगा, आपको आराम से पता चलेगा कि कुछ ना कुछ कम हो गया। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट ऐसा नहीं है कि लार्ज पॉपुलेशन में होता नहीं है, लेकिन जेनेटिक ड्रिफ्ट अपना सिग्निफिकेंट इफेक्ट लार्ज पॉपुलेशन पे शो ही नहीं कर पाता है, क्योंकि इतने दैट इज हाई साइज के पॉपुलेशन में एक छोटा सा ड्रिफ्ट अपना इफेक्ट ही शो नहीं कर पाता है। लेकिन छोटे पॉपुलेशन में ये इफेक्ट ईजिली ऑब्जर्व किया जा सकता है। अब अगर हम जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें तो इसके रीजन एज वेल एज रिजल्ट बहुत सारे हो सकते हैं। तो रिजल्ट की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये जीन की फ्रीक्वेंसी जिसे हम बोलते हैं दैट इज योर जेनेटिक वेरिएशन भी आप कह सकते हो, जेनेटिक वेरिएशन को ये क्या कर सकता है, जेनेटिक वेरिएशन को डिक्रीज कर सकता है। क्योंकि आप खुद देखिए ना, किसी की डेथ हो रही है तो उसके फॉर्म में जीन एलिमिनेट हो रहे हैं, दैट मीन्स जेनेटिक वेरिएशन डिक्रीज हो रहा है। सेकेंड ये होता है कि जो करंट पॉपुलेशन है, करंट पॉपुलेशन विल नॉट बी एबल टू टेल दी एक्चुअल जेनेटिक मेकअप ऑफ ओरिजिनल पॉपुलेशन। ये 2 चीजें आपको हमेशा देखने को मिलेंगी एज अ रिजल्ट फॉर्म में, ठीक है, कि जेनेटिक वेरिएशन कम हो जाएगा जितनी बार जेनेटिक ड्रिफ्ट होगा, और जो करंट पॉपुलेशन होगी, ठीक है, जो अभी फिलहाल में करंट पॉपुलेशन जो जिंदा होगी या फिर जो दिखेगी आपको, वो कभी भी दैट इज एक्चुअल पॉपुलेशन का या ओरिजिनल पॉपुलेशन का जेनेटिक मेकअप नहीं बता पाएगी, ठीक है, जेनेटिक मेकअप नहीं बता पाएगी। तो ये एक रिजल्ट देखने को मिलता है। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट को जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 टाइप के जेनेटिक ड्रिफ्ट हो सकते हैं। पहले को हम कहते हैं दैट इज योर बॉटल नेक इफेक्ट। एंड दूसरे को हम कहते हैं दैट इज योर फाउंडर्स इफेक्ट। बॉटलनेक इफेक्ट का मतलब क्या होता है? सपोज कीजिए एक बॉटल है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक बॉटल बनाती हूँ, दिस इज अ बॉटल। इस बॉटल में मैंने क्या किया, बहुत से अलग अलग कलर के मैंने बॉल्स को ऐड कर दिया, ठीक है। ये हो गया ग्रीन कलर का बॉल, मतलब इस बॉटल में कितने बॉल्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने टाइप के या जितने कलर के आप बॉल देखोगे उतने कलर के मान लीजिए यहाँ पे जीन्स हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लगभग जो है 3 कलर के बॉल्स बना दिए, चलिए एक और कलर ले लेते हैं यहाँ पे रेड कलर, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप इस बॉटल को टिल्ट कर दोगे, यानी जब इस बॉटल को इस ढंग से आप टिल्ट करोगे तो क्या होगा, तो नेक के पास, यानी नेक के पास जो बॉटल्स होंगे, सॉरी नेक के पास जो बॉल्स होंगे वो आपको, अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा ग्लास रखूँ तो इस ग्लास में कौन से यहाँ पे बॉल्स आके गिरेंगे जो कि नेक के पास होंगे, राइट। और नेक के पास अगर हम इस पर्टिकुलर डायग्राम से देखें तो एक आ जाएगा मेरे पास रेड बॉल, ठीक है, और 2 आ जाएंगे मेरे पास शायद ब्लू बॉल। बाकी बॉल क्या होंगे, बाकी बॉल जो है यहीं पे स्टक होके रह जाएंगे, क्योंकि वो नेक के पास नहीं थे। नेक के पास जितने बॉल थे वो लाइक एज अ बाई चांस इवेंट, जैसे मैंने कहा ये प्री डिसाइडेड नहीं होता है, ये बाई चांस इवेंट है, वो यहीं पे स्टक रह जाएगा और जो चीज़ें यहाँ पे आनी थी वो आ गई। तो हम क्या कहते हैं, बॉटल नेक इवेंट में कोई भी नेचुरल डिजास्टर रीजन बन सकता है बॉटल नेक इवेंट को करवाने का। इसमें आपको डेथ इवेंट भी देखने को मिल सकता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लास में बचा है वो है सर्वाइविंग पॉपुलेशन, और जो यहाँ पे है दैट इज आप कह सकते हो कि जो पॉपुलेशन यहाँ से निकल चुकी, और ये था क्या, ओरिजिनल पॉपुलेशन। अब आप खुद देखिए जो सर्वाइविंग पॉपुलेशन है उसमें क्या हो गया है, जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन क्या हो गया है, एकदम कम हो गया है, राइट, एकदम कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 है जबकि स्टार्टिंग में कितना था, 1 2 3 4, यहाँ पे टोटल 4 टाइप के बॉल्स, यानी 4 टाइप के स्पीसीज थे, और अभी हमारे पास कितने आ गए हैं, सिर्फ 2 ही टाइप के स्पीसीज बचे हैं। तो क्या हो रहा है, जेनेटिक वेरिएशन कम हो गया। साथ ही साथ अगर आप इस पॉपुलेशन को देखो, दैट इज सर्वाइविंग पॉपुलेशन को देखो, तो कभी भी इनको देखकर आप ओरिजिनल पॉपुलेशन कैसा था इसका पता नहीं लगा सकते हो। तो दोनों का रिजल्ट क्या हो गया, सेम हो गया, जो हमें जेनेटिक ड्रिफ्ट में देखा। तो बॉटलनेक इफेक्ट को पहचानते कैसे, हमेशा जब नेचुरल डिजास्टर होता है तभी हम बॉटलनेक कंसेप्ट का एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि जब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फाउंडर्स इफेक्ट, क्योंकि दोनों का, फाउंडर्स इफेक्ट एंड बॉटलनेक इफेक्ट का रिजल्ट एक ही होता है, तो इसलिए पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहचानते कैसे हैं कि बॉटलनेक इवेंट में या इफेक्ट में डेथ देखा जाता है, जो कि फाउंडर्स इफेक्ट में एकदम ना के बराबर होता है। फाउंडर्स इफेक्ट कब देखने को मिलता है, फाउंडर्स इफेक्ट में मानते हैं कि कुछ पॉपुलेशन अपने दैट इज योर पेरेंट पॉपुलेशन से माइग्रेट कर जाती है, ठीक है, माइग्रेशन हो जाता है, जिससे बाद में चल के वो जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन होती है एक जगह जाकर वो स्टेब्लिश होती है और उसके बाद वो फाउंडर्स पॉपुलेशन कहलाती है। यानी यहाँ पे रीजन नेचुरल डिजास्टर नहीं होता है, यहाँ पे माइग्रेशन होता है, जैसे कि मान लीजिए दिस इज अ पॉपुलेशन, ठीक है, यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप के आपको जीन्स देखने को मिल सकते हैं। जितने टाइप के जीन्स आप देखोगे दैट मीन्स उतने टाइप के यहाँ पे वेरिएशंस अवेलेबल थे पहले से ही। अब क्या हुआ, ड्यू टू सर्टेन रीजंस यहाँ से जो है दैट इज ये जीन्स यहाँ पे निकल के चली आई, ठीक है। विद टाइम क्या हुआ, ये आगे चल के देयर इज अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी कि जो ज़्यादा कॉमन है वही कॉमन होता जाएगा, राइट, और जो बहुत ही यूनिक जीन है, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी दोनों की है, ये हो सकता है कि वो जीन क्या हो जाए, एलिमिनेट हो जाए। तो धीरे धीरे क्या होगा, इसमें वेरिएशन क्या हो गया, यहाँ पे वेरिएशन 3 था, जब निकला तब 2 था, और आते आते क्या हो गया, विद टाइम ये जो फाउंडर पॉपुलेशन है एफपी है, इसमें तो लगभग वेरिएशन बचा ही नहीं। तो क्या हो गया, यहाँ पे डेथ नहीं हुआ, यहाँ पे जो है ये सर्वाइविंग पॉपुलेशन था और ये पॉपुलेशन जिनका डेथ हो गया था किसी नेचुरल डिजास्टर के कारण, लेकिन जो इधर वाली पॉपुलेशन है इनमें डेथ नहीं हुआ है, राइट, ये माइग्रेट कर गई हैं. दिस इज अ माइग्रेशन, ये माइग्रेट कर गई हैं. और इस तरीके से हम फाउंडर्स इफेक्ट को पढ़ते हैं. अब यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहला रीजन होता है माइग्रेशन. यहाँ पे डेथ इवेंट नहीं होता और यहाँ भी क्या हुआ है, जेनेटिक वेरिएशन डिक्रीज हुआ है. साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि जब पॉपुलेशन ऐसे माइग्रेट करती है तो देयर इज अ हाईएस्ट चांसेस कि हार्मफुल एलील का फिक्सेशन हो जाए, हार्मफुल एलील फिक्स. ऐसा कैसे हो सकता है? हो ही सकता है कि इस पॉपुलेशन में कोई ऐसा जीन था जो कि पहले एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, क्योंकि पहले पॉपुलेशन में वेरिएशन बहुत था. लेकिन एज बिकॉज अब बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिज्म को आपस में ब्रीड करने का मौका मिल गया, जिसे हम बोलते हैं इनब्रीडिंग. तो वो इनब्रीडिंग क्या कर सकता है, कोई हार्मफुल एलील को फिक्स कर सकता है, यानी एग्जिस्टेंस में लेकर आ सकता है. कोई ऐसा एलील जो कि शायद पहले ओरिजिनल पॉपुलेशन में सप्रेस था, लेकिन अब वो क्या हो सकता है, अब वो एक्सप्रेस हो सकता है. तो इस तरीके से हमने देखा कि जेनेटिक ड्रिफ्ट का इफेक्ट क्या क्या हो सकता है. और ये दैट इज योर, अगर हम कहें कि हार्मफुल एलील का फिक्सेशन करता है, जेनेटिक वेरिएशन को कम करता है. ओके, यहाँ पे हम थर्ड कॉज लिख सकते हैं कि फिक्सेशन ऑफ हार्मफुल एलील. ठीक है, तो ये यहाँ पे तीन मेजर तरीके से रिजल्ट हो गए कि ये क्या क्या करवा सकता है, दैट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो जेनेटिक ड्रिफ्ट याद रखिएगा स्मॉल पॉपुलेशन में ही देखने को मिलेगा, बहुत लार्ज पॉपुलेशन होगी तो ये देखने को नहीं मिलेगा. सो इसके साथ जो है हमने जेनेटिक ड्रिफ्ट का कंसेप्ट क्लियर कर लिया. थैंक यू सो मच एवरीवन.